everyone. Today we are going to start a new topic, that is of combination of thin lenses in contact. Firstly, we have discussed about refraction by a lens, that is for single lens. Now we are going to discuss thin lenses, that is combination of lenses. अब हम एक से ज्यादा lenses के लिए उनके लिए हम focal length का formula, power का ये सब derivation करेंगे. So suppose we have two lenses, that is they are combined and there is no difference between them. Means जो दोनों lenses हैं A और B, दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, ठीक है. दे टच ईच अदर, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. एंड तो पहले हमने एक रे, ये ऑब्जेक्ट से रे पास करी प्रिंसिपल एक्सिस से, वो तो स्ट्रेट पास कर गई. एंड देन अनदर रे, दैट इज द ऑब्जेक्ट से एक लाइट इंसिडेंट करी, लाइक दिस, दिस इज द इंसिडेंट रे. ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज कैसे फॉर्म होगी? इसकी इमेज फॉर्म हुई एट पॉइंट आई वन. एंड अब ये जो I1 था, जस्ट लाइक वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट एक्सप्रेशन, कौन सा था? रिफ्रेक्शन बाय अ लेंस. तो उस केस में भी क्या था कि जो पहले ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज फॉर्म होगी, एंड देन जो इमेज है अब उसका क्या फॉर्म होगा? नाउ इट विल एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट. लेंस के केस में आपको क्या याद रखना है? दैट द इमेज ऑफ वन विल एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड. तो अब ये जो सेकेंड वाले लेंस के लिए, नाउ इट विल एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट, एंड इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी दैट इज फॉर्म्ड एट पॉइंट आई, और यू कैन टेक दिस पॉइंट एज पी पॉइंट. तो अभी इस पॉइंट से हम सारे डिस्टेंसेस को मेजर करेंगे. दिस इज यू डिस्टेंस एंड दैट इज वी डिस्टेंस, एंड हियर इट इज दैट इज वी वन. क्या था? वो ऑब्जेक्ट था, उसकी इमेज फॉर्म हुई आई वन पॉइंट पे. एंड अब ये जो आई वन था, इट विल, नाउ इट विल स्टार्ट एक्टिंग एज अ ऑब्जेक्ट. तो इस ऑब्जेक्ट की क्या इमेज होगी? आई इमेज होगी, ठीक है. सो फॉर द फर्स्ट लेंस, हमारे पास दो लेंसेज हैं. फॉर द फर्स्ट लेंस नाउ वी विल यूज थिन लेंस फॉर्मूला. थिन लेंस फॉर्मूला क्या है? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट्स डेरिवेशन. दैट इज वेरी सिंपल, दैट वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू दैट विल बी इक्वल टू वन अपॉन एफ. दैट इज थिन लेंस फॉर्मूला, और यू कैन से सिंपली लेंस फॉर्मूला. लेंस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे. तो फर्स्टली देखो, जो फर्स्ट है ए लेंस के लिए, ऑब्जेक्ट कौन एक्ट कर रहा है? ओ पॉइंट. तो उसके लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो यू आएगा, बट इमेज है, इमेज इज फॉर्म्ड एट पॉइंट आई वन, एंड ये जो डिस्टेंस है दैट इज वी वन. तो यहाँ पे जो इमेज का डिस्टेंस है दैट विल बी वी वन. वी वन माइनस वन अपॉन यू. एंड नाउ फोकल लेंथ, जो फर्स्ट लेंस होगा उसके लिए जो फोकल लेंथ होगी दैट इज एफ वन, एंड फॉर सेकेंड इट इज एफ टू. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ थिन लेंस फॉर्मूला फॉर फर्स्ट लेंस, और यू कैन से फॉर ए लेंस दिस वन. एंड नाउ सिमिलरली फॉर सेकेंड लेंस दैट इज बी. तो अब हमारा ऑब्जेक्ट कौन सा है और इमेज कौन सी है? द इमेज इज आई. तो इमेज क्या है? आई है. तो यहाँ पे आएगा वन अपॉन वी, दिस डिस्टेंस, माइनस वन अपॉन यू मीन्स ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस. ऑब्जेक्ट कौन सा है इस केस में? द ऑब्जेक्ट इज आई वन, सो दैट डिस्टेंस इज वी वन. तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आएगा वन अपॉन वी वन, दैट विल बी इक्वल टू वन अपॉन एफ टू, दैट इज फोकल लेंथ फॉर दिस सेकेंड लेंस. Now from 1 and 2, now what we are going to do, we will add these two equations, first equation or second equation, in dono ko ab hum add karenge, and then we will further derive the expression for this article. Now you can take a screenshot. Now we will add these two equations, add first and second equations, and then we will get 1 upon V1 minus 1 upon U plus 1 upon V minus 1 upon V1, that will be equal to 1 upon F1 plus 1 upon F2. 1 upon V1 or minus 1 upon V1, these two will cancel out with each other. And now we will have this equation, 1 upon V minus 1 upon U, that will be equal to 1 upon F1 plus F2. Okay, so
ये हमने यहाँ से एक एक्सप्रेशन डिराइव किया, एक इक्वेशन आ गई. एंड वी नो थिन लेंस फॉर्मूला, दैट इज थिन लेंस फॉर्मूला इज 1/V - 1/U, दैट विल बी इक्वल टू 1/F. सो व्हेन वी कंपेयर द थिन लेंस फॉर्मूला विद दिस एक्सप्रेशन, ओके, इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे देन क्या आएगा, जो देखो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज इक्वल, तो राइट हैंड साइड दोनों को कंपेयर करोगे तो क्या कंक्लूजन आएगा, दैट 1/F विल बी इक्वल टू 1/F1 + 1/F2. मीन्स दिस इज द इक्विवेलेंट फॉर्मूला ऑफ फोकल लेंथ. मीन्स जब दो लेंसेज का कॉम्बिनेशन होगा देन फॉर दोज लेंसेज दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोकल लेंथ. उसके लिए हम फोकल लेंथ ऐसे इस फॉर्मूला का यूज करके कैलकुलेट करेंगे. हमने ये वाला एक्सप्रेशन डिराइव किया था दैट 1/F विल बी इक्वल टू 1/F1 + 1/F2, दैट इज फॉर टू लेंसेज. तो इसका मीनिंग है दिस इज द फोकल लेंथ फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज. बट ऐसा भी तो पॉसिबल है कि हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है वो दो से ज्यादा लेंसेज का हो, राइट? तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, इट मीन्स तो यहाँ पे अगर तीन लेंसेज हो तो होगा 1/F3 प्लस अगर फोर लेंसेज है तो 1/F4 प्लस अप टू सो ऑन जितने भी लेंसेज होंगे. अगर n लेंसेज है तो होगा 1/N तक, 1/FN, दैट इज फोकल लेंथ फॉर द nth लेंस. मीन्स जितने नंबर ऑफ लेंसेज हम कंबाइन कर रहे हैं उनकी फोकल लेंथ, जो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होगी दैट विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला. अगर हमारे पास थ्री लेंसेज है तो ये फॉर्मूला इतना ही रहेगा. इफ वी हैव फाइव लेंसेज देन यहाँ पे +1/F5 वहां तक फॉर्मूला ये बन जाएगा. सो दैट इज फॉर फोकल लेंथ. तो पावर के लिए क्या आएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के लिए पावर का फॉर्मूला क्या होगा. इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ. मीन्स 1/F विल बी इक्वल टू पी. तो इक्विवेलेंट पावर इसी फॉर्मूला में, अब 1/F को हम पी से डिनोट कर देंगे. तो पावर का फॉर्मूला क्या बनेगा, पी विल बी इक्वल टू P1 + P2 + P3 अप टू सो ऑन. ओके, सो दैट इज फॉर पावर. एंड नाउ मैग्निफिकेशन. अब इक्विवेलेंट मींस कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा, दैट स्मॉल m विल बी इक्वल टू m1 m2 m3 अप टू सो ऑन. मींस इसमें जो है ना वो प्लस का साइन ही आएगा, दैट इज फोकल लेंथ और पावर के बीच में प्लस का साइन था. बट जो मैग्निफिकेशन है उसमें मल्टीप्लीकेशन होगी टर्म्स की, दैट इज मैग्निफिकेशन फॉर फर्स्ट लेंस इंटू मैग्निफिकेशन ऑफ सेकेंड लेंस इंटू मैग्निफिकेशन ऑफ थर्ड लेंस एंड अप टू सो ऑन. ये मल्टीप्लाई होगा, मैग्निफिकेशन में मल्टीप्लीकेशन और फोकल लेंथ पावर इन दोनों में एडिशन होगा बाकी सभी लेंसेज के लिए जो भी वैल्यूज आएंगी. So that is how you can calculate the values for the combination of thin lenses which are in contact with each other. So that is all about this topic of combination of lenses.